देवभूमि क्षेत्रीय संगठन द्वारा अर्की विधानसभा क्षेत्र के कुनिहार में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन द्वारा उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी को दरकिनार कर नोटा पर बटन दबाने की अपील लोगों से की गई। रैली को संबोधित करते हुए देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां प्रदेश में स्वर्ण आयोग के मुद्दे को दरकिनार करती आई हैं, लेकिन अब समय आ चुका है कि स्वर्ण आयोग इकट्ठा होकर इन दोनों ही पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देगा। भाजपा और कांग्रेस के लिए यह संगठन चुनौती से कम नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आज भाजपा द्वारा आयोजित अनुराग ठाकुर की रैली में भी भीड़ कम ही दिखाई दी, लेकिन क्षेत्रीय संगठन की रैली में भारी भीड़ दिखाई दी। रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इस बार देवभूमि क्षेत्रीय संगठन इकट्ठा होकर प्रदेश के चारों उपचुनाव में नोटा पर बटन दबाकर दोनों ही पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहता है। ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की राजनीति में ठाकुरों का दबदबा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल में स्वर्ण आयोग का गठन नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक देश में एक समान होने चाहिए और अगर आरक्षण देना ही है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यही संगठन की मांग भी है। बुजुर्ग बाप को सुन रहे, अगर आप लोगों को अपने बच्चों की भविष्य की चिंता होगी, अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को अपने सामने घुटते मरते देखा होगा, अगर आप सभी लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य को अपने सामने मिटते देखा होगा, भाजपा कांग्रेस के सामने वोट देने से पहले, भाजपा कांग्रेस का बटन दबाने से पहले एक बार अपने बच्चों के भविष्य की ओर जरूर मुड़कर देख लेना। ना भाजपा होगी ना कांग्रेस होगा, इस बार सिर्फ नोटा होगा। आप सभी लोगों से मैं अंत में निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार ना भाजपा को वोट देकर ना कांग्रेस को वोट देकर इस बार मात्र नोटा को वोट दे। एक बार सर्व समाज की ताकत इन अंदर